नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वृंदा भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते शुक्रवार को वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। वह शनिवार को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल हुए। वृंदावन में सबसे अधिक लोग उनसे ही मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अखरी गांव में हुआ है। यह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। उनके परिवार में अभी भी इनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है, तब से वह दोबारा गांव नहीं आए। कानपुर तो एक दो बार आना जाना हुआ, लेकिन अपने गांव नहीं गए, क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। एक बार वह बिठूर गए हुए थे। इस दौरान उनके मन में विचार आया कि अब वह संत और सन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद वह अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर सन्यास जीवन जीते हुए गंगा किनारे रहने लगे। इसके बाद अपने एक मिलने वाले संत के माध्यम से वह वृंदावन गए। वहां जाने के बाद वह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा रम गए कि आज वह वृंदावन के सबसे बड़े सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वह एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से रोजाना उनका डायलिसिस होता है। प्रेमानंद महाराज को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी की बात की जाए तो यह लगभग सन 2000 की बात है, जब उन्हें कई परेशानी हो रही थी। तब वह दिखाने के लिए भी कानपुर आए थे। कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ही उनकी बीमारी को डायग्नोज किया गया था। उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दे, प्रेमानंद महाराज अपने गांव जरूर नहीं आए हैं, लेकिन उनके भाई और भतीजे अभी भी वृंदावन जाकर उनसे बीच बीच में मुलाकात करने जाते हैं और वह गांव और परिवार के बारे में भी उनसे जानकारी लेते रहते हैं।